आप देखो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे, सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे, देते थे नहीं देते थे। हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में, और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन चार लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चपका देते थे कब्रिस्तान। शिक्षकों की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी की नियुक्ति, आप 56 बता गए, 46 में 56, आज भी हम गिनती गिनते हैं, 46 में 56, तो कम से कम आपके जो हुआ है इसमें पीडीए कहां है, कहां है पीडीए? और फिर हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली, अध्यक्ष महोदय एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। राजनीति में ये जुमला गाहे बगाहे इस्तेमाल किया जाता है कि सियासत में कब ऊंट कौन सी करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद तभी तो चुनाव जीतने के लिए सियासी दल जमा घटा गुणा और भाग के इर्द गिर्द समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं, और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का जमकर इस्तेमाल करते हैं। चुनाव से पहले और नतीजों के बाद भी गठबंधन बनते और बिगड़ते हैं। ऐसा ही कुछ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। ये बात अपनी जगह कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, लेकिन प्रदेश की सियासी बिसात को बिछाने के लिए तो लखनऊ की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के दांवपेच लखनऊ में बैठकर ही तय होते रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर 10 ऐसी सीटें खाली हो गई हैं, जहां से विधायक या एमएलसी लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए हैं। लिहाजा ऐसी तमाम सीटों पर उपचुनाव होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की वही जद्दोजहद और मशक्कत देखने को मिलेगी जैसी लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यूपी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच रस्साकशी देखने को मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उपचुनाव के मद्देनजर सियासी पार्टियों के बीच आपसी खींचतान देखने को मिले? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब उपचुनाव की घोषणा के बाद ही सामने आने लगेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से 13 विधायक और 4 एमएलसी चुनावी मैदान में थे। इन 17 विधायकों में से 9 विधायक सांसद बनने में कामयाब हो गए। इनमें समाजवादी पार्टी के 4, बीजेपी के 3, निषाद पार्टी और रालोद के एक एक विधायक सांसद बन गए हैं। इनके अलावा बीजेपी के 1 एमएलसी जितिन प्रसाद भी सांसद बन गए हैं। इन सभी की छोड़ी हुई सीटों पर अगले 6 महीनों के भीतर ही उपचुनाव होने हैं। आइए अब सिलसिलेवार तरीकों से उन सीटों का जिक्र किया जाए जहां पर आगामी दिनों में उपचुनाव देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय सीट से सांसद चुन लिए गए हैं, लिहाजा अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट खाली हो गई है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद फैजाबाद संसदीय सीट से जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बन गए हैं। ऐसे में अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। इसी तरह गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग अब
अंबेडकर नगर के कठेरी से विधायक लालजी वर्मा, फुलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मंजुआ से डॉक्टर विनोद बिंद, भदोही से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए हैं। अलीगढ़ की खैर सीट के विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद चुने गए हैं। इनके अलावा मीरापुर से आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुन लिए गए हैं। मुरादाबाद की कुंद्रा की सीट से विधायक जियाउर रहमान बर्क अब संभल से सांसद चुने जा चुके हैं। विधान परिषद सदस्य और यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद अब पीलीभीत से सांसद बन चुके हैं। हालांकि इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा नजरें करहल और मिल्कीपुर सीटों पर रहेंगी। करहल विधानसभा सीट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय सीट से बड़ी जीत दर्ज कर चुके हैं। अब ये तय है कि अखिलेश दिल्ली की सियासत में एक्टिव रहेंगे। चूंकि अखिलेश यादव यूपी में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी है, ऐसे में विधानसभा से इस्तीफा देने पर उनकी जगह कौन इस जिम्मेदारी को संभालेगा, इसे लेकर भी कई नाम चर्चा में है, जिनमें शिवपाल सिंह यादव के अलावा सपा के पीडीए फॉर्मूले के तहत राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल फारूकी के नाम भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। करहल के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद के सांसद बन चुके हैं। मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की ओर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये अयोध्या की अहम सीट है। इस सीट से अवधेश प्रसाद की पत्नी सोना देवी और बेटे अजीत प्रसाद के नाम की चर्चा चल रही है, तो वहीं बीजेपी खेमा भी यहां मिली करारी हार से उबरने के लिए इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़।